पीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। अनफॉर्चुनेटली बीती रात को हमारे दो कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया। ये दोनों जो है 65 वर्ष के लगभग की उम्र के थे और दोनों 15 तारीख को ही हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। एक ब्यावर निवासी थे और एक अजमेर के पलटन बाजार निवासी थे। एक को ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी थी, एक को हार्ट की बीमारी थी। करीब चार पाँच दिन का उनका इलाज चला लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए और कल रात को दोनों शांत हो गए। इसके अलावा अभी भी हमारे पास में 49 पेशेंट हमारे पास में कोरोना पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं, जिसमें से 2 वेंटिलेटर पे हैं, 7 मरीज बाईपैप पे हैं। करीब 12-13 मरीजों को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 11 मरीज हैं, जिसमें से 1 वेंटिलेटर पर है, 1 बाईपैप पर है, वेंटिलेटर पर कोई नहीं है, और 3-4 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। और कल भी हमने करीब करीब 1800 से अधिक सैंपल इकट्ठे किए हैं और उनकी रिपोर्ट काफ़ी कुछ आ गई है, कुछ आना बाकी है। सर, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दे रहे हैं सर? नहीं, दवाइयाँ नहीं। एक जो खबर है वो ये है कि हम प्लाज्मा थेरेपी बहुत जल्दी शुरू करने के स्थिति में आ जाएंगे। प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि जगह हमारी तैयार है, हमारी मशीन तैयार है, हमारे किट्स तैयार हैं, इंस्ट्रूमेंट जो रिएजेंट्स हैं वो सब तैयार हैं। एक लाइसेंस की प्रक्रिया बाकी है, वो शायद अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार तक लाइसेंस भी हमें मिल जाएगा और बहुत जल्दी हम प्लाज्मा थेरेपी की जो सुविधा है इस संभाग के मरीजों को हम दे पाएंगे। हर महीने शुगर चेक करनी है, खाली पेट के और खाना खाने के बाद की हर महीने चेक।